नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की अपराध की घटना शुरू करने के पहले मैं अपने किस्सा गोई परिवार के उन सभी लोगों को, जिनका आज पवित्र महीने रमजान का अंतिम रोजा था, आज चांद रात थी, लखनऊ में चांद दिख गया और कल ईद मनाई जाएगी, किस्सा गोई परिवार के सभी सदस्यों को और खासकर इस्लाम धर्मावलंबियों को ईद की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। इस साल की ईद आपकी बहुत खुशियां लाए, साल भर आप स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, दौलतमंद हों, आपके परिवार में सभी लोग सुखी रहें, ऐसी किस्सा गोई परिवार की तरफ से मेरी शुभकामनाएं हैं। आज का वाकया मैं आपको बता दूं कि तारीख 10 अगस्त 2021, थाना न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जिला दक्षिण पूर्वी दिल्ली, जहां के डीसीपी आरपी मीना साहब हैं, मशहूर पुलिस अधिकारी हैं और अच्छी छवि के अधिकारी हैं पुलिसिंग के लिहाज से। सुखदेव बिहार के पास एक नाले में एक ट्रॉली बैग किसी को दिखाई पड़ा, उसने पीसीआर को खबर की कि साहब यहां पर एक ट्रॉली बैग दिख रहा है और ये बैग बंद है, नया है, लेकिन चूंकि ये गंदे नाले में है, इसको वहां तक पहुंचकर खोल कर देखना संभव नहीं हो पा रहा है, लिहाजा पुलिस कर्मचारी पीसीआर वैन के साथ तुरंत मौके पर, यानी कि हाजी कट और गैस गोदाम के बीच डीडीए फ्लैट्स सुखदेव बिहार न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास वाले गंदे नाले पर पहुंचे। गंदे नाले के अंदर काले रंग के ट्रॉली बैग में एक पुरुष की लाश पड़ी हुई थी, जिसको रैपिंग पॉलीथीन, जो आजकल सब्जियों को रैप करने में अलग अलग आप देखें, कभी लौकी भी अलग अलग रैप की हुई है, बहुत महीन पॉलीथीन जो लपेटते समय एक दूसरे पे चिपक जाती है, यानी उसमें हवा जाने की गुंजाइश कम होती है, उसमें लिपटा हुआ एक पुरुष का और अंदाज से 30-35 साल के एक पुरुष का शव था। शव को निकाला गया, अच्छी तरह पानी ऊपर से डाल के धोया गया कि कुछ शिनाख्त हो सके, क्योंकि जब वो निकाला जा रहा था उस पर तमाम मतलब उसमें सड़ांध आ गई थी, पानी भीतर भर गया था और बुरी तरह से सड़ गया था, चूंकि अच्छी तरह से पैक था, बंद था, इसलिए वो और उसमें हवा नहीं जा पा रही होगी और जो गंदगी है नाले की उसकी वजह से तमाम डिफेस हो गया था उसका चेहरा। बहरहाल बहुत अच्छी तरह साफ करने पर उसके हाथ पर, दाहिने हाथ पर एक टैटू, जिस जो नवीन लिखा हुआ था, नवीन नाम का एक टैटू उस पर बना हुआ था। नवीन टैटू के सिवा लीड करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। शव को सील करके पोस्टमार्टम के लिए एम्स की मॉर्चरी में भेज दिया गया। पूछताछ के दौरान मौके पर कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं मिला, किसी ने न तो इस सूटकेस को नाले में फेंकते हुए किसी व्यक्ति को देखा, वहां से किसी को उस समय में गुजरते हुए देखा, या ना ही किसी ने किसी को संदिग्ध अवस्था में वहां पर खड़े हुए देखा। यह तय हो गया कि हत्या कहीं और की गई है, क्योंकि उसके शरीर पर बहुत ढेर सारे
कटे निशान थे। ऐसा लग रहा था किसी शार्प एज्ड वेपन से उसे बुरी तरह काटा गया था। थाना न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एफआईआर संख्या 270/21, धारा 302 और 201 आईपीसी, यानी हत्या और हत्या के बाद जो उसका उसको छिपाने का हत्या के साक्ष्य छिपाने की जो कोशिश होती थी कोशिश हुई थी उसके तहत एक एफआईआर दर्ज की गई। जब यह तय हो गया कि हत्या बैग के भीतर नहीं हुई, कहीं और हत्या की गई और साक्ष्य छुपाने के लिए इसे ट्रॉली बैग में भर के गंदे नाले में फेंक दिया गया। देखिए, ट्रॉली बैग भी काले रंग का था, अगर लाल रंग का होता नीले रंग का होता तो दूर से दिखाई पड़ता। कितनी चालाकी की गई थी उस शव को उस गंदे नाले में फेंकने के लिए। न्यूज़पेपर्स और जो लोकल चैनल दिल्ली में, बहुत ढेर सारे लोकल चैनल्स हैं, उन्होंने इसको बहुत प्रमुखता से कवर किया। घटना गंभीर थी। जब ये पता नहीं होता कि आखिर ये कौन है, तब पुलिस के मन में एक शंका होती है, कल को ये कोई ऐसा आदमी निकल जाए जिससे परेशानी हो, जिससे बदनामी हो, जिसको लोग बहुत परसू करें, जिसके लिए पुलिस पर थू हो, तब पुलिस थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होती है कि जल्दी से इसका पता करिए या प्रयास पूरा करिए, नहीं तो यही आरोप लगेगा कि पुलिस ने प्रयास नहीं किए थे, नहीं तो इसकी पहचान पहले हो जाती। बहरहाल, इंस्पेक्टर जितेंद्र कश्यप, इंस्पेक्टर अमित प्रकाश, एसआई विष्णु दत्त, एसआई महावीर, एएसआई सुरेंद्र, एएसआई जमालुद्दीन, सिपाही रामकिशन, नितिन, रोहित, जॉनी और अनिल, इनकी एक टीम बनाई गई कमिश्नर पुलिस के निर्देश पर। और दूसरी टीम इंस्पेक्टर सुमन कुमार, जो इस प्रकरण के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी आईओ थे, उनके नेतृत्व में और अवनीश कुमार की देखरेख में एक दूसरी टीम भी बनाई गई, जो लिखा पढ़ी और इससे संबंधित जो विवेचना का काम होता है उसका काम देखने के लिए उन्हें कहा गया। पहली चुनौती थी कि ये ब्लाइंड मर्डर था, शव की पहचान होना बहुत आवश्यक था, और उस टैटू जिस पर नवीन कुमार लिखा था, इसके सिवा आगे बढ़ने का, जैसा मैंने पहले बताया, कोई रास्ता नहीं था। वायरलेस पर कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी जिलों, दिल्ली के जितने जिले हैं, सभी थानों, सबको बताया गया कि क्या किसी के यहाँ इस हुलिये के या किसी हुलिये का कोई गुमशुदगी तो नहीं लिखी हुई है। काफी प्रयास के बाद ये पता लगा कि 12 अगस्त को ये बॉडी मिली थी, 10 अगस्त को, 12 अगस्त को देवली गांव दिल्ली के नवीन पुत्र लालचंद, जिनकी उम्र 24 साल थी, उनके किसी परिजन ने 12 अगस्त को पुलिस स्टेशन नेबसराय यानी दक्षिणी दिल्ली से दिल्ली में गुमशुदगी लिखाई गई थी। पुलिस ने थाने पर संपर्क करके ये डिटेल प्राप्त की कि किसने ये गुमशुदगी लिखाई है। डॉक्यूमेंट्स मिले, डॉक्यूमेंट में गुमशुदगी लिखाने वाले का पता मुस्कान, पत्नी नवीन, निवासी देवली गांव दिल्ली, ये दिया हुआ था। और उसने पुलिस स्टेशन नेब सराय में ये लिखवाया था कि उसका पति नवीन 8 अगस्त को घर छोड़कर चला गया है, तमाम कोशिशों के बावजूद वो उसे ढूंढ नहीं पाई है। उसने उसका शारीरिक विवरण पूरा दिया, ऊंचाई, कलर, कपड़ा, सब कुछ दिया, लेकिन उसमें नवीन नामक टैटू का कोई जिक्र नहीं था। यानी शव की पहचान स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं हो पाई। गुमशुदगी लिखाने वाले का जो पता दिया हुआ था देवली गांव का, पुलिस वहां पर पहुंची।
मालिक मकान श्री प्रदीप ने बताया कि वो अभी 5-7 दिन पहले ही हमारा ये कमरा, हमारा ये रूम या किराए की जगह जो उन्होंने ली थी वो छोड़कर कहीं चली गई है। कहाँ गई है इसकी जानकारी श्री प्रदीप को नहीं थी। प्रदीप को थाने पर बुला के इनके बारे में पता किया गया। ये पता लगा कि ये करीब 3 महीने पहले से यहाँ रह रही थी, इसके 2 साल की एक बेटी थी और इसकी माँ इसके साथ रहती थी। एक बात और मकान मालिक ने बताई कि एक चश्मा लगाने वाला लड़का, यंग लड़का जो चश्मा लगाता था, वो अक्सर इनके यहाँ आता जाता था। पति नवीन के बारे में भी बताया कि वो सामान्य रूप से शाम को घर आ जाता था। लड़ाई झगड़े के बारे में भी मकान मालिक ने कहा, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, मुझे कभी ये शिकायत नहीं मिली है कि ये घर में इसने कोई उपद्रव किया हो। बस इतना था कि कभी कभार शराब पी कर आता था तो पत्नी इसे कुछ न कुछ कहती ज़रूर थी। अब एक और बड़ी समस्या हुई कि ये जहाँ रहती थी वहाँ ये छोड़कर चली गई। 12 की गुमशुदगी लिखाई गई थी और मकान मालिक यानी प्रदीप के बताने के अनुसार ये 2 दिन पहले या तो 11 को या 10 को ये मकान छोड़कर चली गई थी। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछना शुरू किया। बात करते करते किसी पड़ोसी ने यह बताया कि मैंने उनको फला जगह देखा है खानपुर में। मुस्कान अपनी मां त्रिशा और अपनी बेटी के साथ वहीं रह रही है, लेकिन खानपुर के किस जगह पर रह रही है इसका एग्जैक्ट डिटेल वो नहीं बता पाए। ताजुब की बात यह भी थी कि किसी पड़ोसी के पास उसका फोन नंबर नहीं था। मकान मालिक प्रदीप के पास जो फोन नंबर था वो नवीन का था, मुस्कान का कोई फोन किसी के पास नहीं था। पुलिस ने जब इसकी बहुत बारीकी से तफ्तीश की तो ये पता लगा कि उस मोहल्ले का जो किराना स्टोर वाला था वो उससे उधार सामान ले आया करती थी और ज्यादा उधार हो जाने पर वो उसको फोन करता था, मुस्कान को, कि आपके इतने पैसे हो गए हैं, आप इसे चुका दीजिए वरना हम नहीं देंगे। अंदाजा लगा जब पड़ोसियों ने हल्की फुल्की जिक्र की कि वो कहाँ से लाती थी तो किराना स्टोर वाले को से बात की गई, उसने फौरन मुस्कान का नंबर उपलब्ध करा दिया और ये बताया कि बहुत ज़्यादा सामान ये उधार ले जाती थी और कभी कभी महीने भर 2 महीने तक ये सामान पैसा उसका चुकता नहीं करती थी। 3-4 ही महीने रहे होंगे लेकिन केवल 2 बार इन्होंने अपने उधार का पैसा चुकता किया था। उस नंबर की CDR निकाली गई तो ये पता लगा कि दिल्ली के खानपुर गांव में ये नंबर चल रहा है। पुलिस टीम ने आखिरकार दिल्ली के गांव खानपुर में उसका घर पता लगा लिया, जहां मुस्कान अपनी मां मीनू एलियस त्रिशा और 2 साल की बेटी के साथ रह रही थी। मुस्कान से डिटेल पूछताछ की गई और टैटू के बारे में जानकारी करने की कोशिश की गई, क्योंकि जब तक टैटू का पता नहीं लगेगा तब तक ये एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा कि वो बॉडी नवीन की ही थी। लेकिन मुस्कान ने साफ मना कर दिया कि मेरे पति ने कोई टैटू नहीं बनवाया था, हाथ में किसी तरह का टैटू नहीं था। पुलिस के पास फिर वो वहीं आकर अटक गई कि अगर टैटू नहीं था तो ये टैटू वाला आदमी कौन है। बहरहाल पुलिस ने उसकी उसकी माँ दोनों के फ़ोन, मोबाइल फ़ोन कब्जे में लिए। ये देखा कि उसके सारे फोटो, वीडियो, डाटा, कॉल लॉग सब डिलीट किए जा चुके हैं। अपनी तरफ से अपराधी ये चालाकी करता है, फोन बदल लेता है, सारे फोटोग्राफ वीडियोग्राफ डिलीट कर देता है, लेकिन मोबाइल फ़ोन के और ख़ासकर एंड्रॉयड के
रिकवरी टूल्स बहुत एडवांस इस समय एजेंसीज के पास भी हैं और मार्केट में भी उपलब्ध हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी फॉरेंसिक सेल में दोनों फोन को रिकवरी टूल से सारे डाटा उसके रिकवर कर लिए। उसमें मिले हुए फोटो और वीडियो को बारीकी से देखना शुरू किया। मुस्कान के अपने पति के साथ जो फोटोग्राफ थी उसमें 3-4 जगहों पर उसके हाथ में नवीन लिखा हुआ टैटू बहुत साफ दिख रहा था। कॉल लॉग्स जब रिकवर किए गए तब उससे पूछा गया कि ये नंबर जिससे आपकी सबसे ज्यादा बात पिछले 3 महीने में हुई है ये आखिरकार कौन है। बड़ी मुश्किल से उसने बताया कि ये इसका नाम जमाल है जो मेरा दोस्त है। मुस्कान ने भी पूछताछ में, जबकि कड़ाई से पूछताछ हुई थी, कई चीजें ऐसी बताई कि पुलिस के लोग भी चक्कर खा गए। उसने बताया कि नवीन दिल्ली के दक्षिणपुरी का रहने वाला है। वो 4-5 साल से नवीन के साथ लिव इन रिलेशन में है और इसी रिश्ते से उसकी 2 साल की एक बेटी है, लेकिन 7 बहनों से वो अलग अलग रह रहे हैं। अलग अलग रहने का कारण भी मुस्कान ने नहीं बताया। वो देवली में खानपुर में अपनी माँ त्रिषा के साथ रहने लगी थी, जिस पते का हवाला देकर उसने गुमशुदगी लिखाई थी। घटना वाले दिन का जिक्र करते हुए उसने ये बताया कि 7 अगस्त की रात करीब 11:30 बजे नवीन शराब पीकर उसके घर में घुसा और घर में वो जमाल के साथ थी। जमाल के साथ उसने मारपीट की और मुझे भी काफी शराब के नशे में मारा। मेरा होठ फट गया, उसमें से खून रिसने लगा। मैंने पीसीआर वैन के लिए कंट्रोल रूम से को फोन किया। पीसीआर वैन आई। मेरे फटे होठ से खून बहुत गिर रहा था, इसलिए मुझे मेडिकल जांच के लिए एम्स के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। अपना मेडिकल करा के जब वो वापस कमरे पर आई तो नवीन जा चुका था। उसने आगे बताया कि 2 दिन बाद नवीन का भाई संदीप उसके पास आया और उसने कहा कि 2 दिन से नवीन घर नहीं पहुंचा है, कहां चला गया। मुझे भी लगा कि लगता है मुझसे मारपीट करने के बाद ये कहीं चला गया है, ऐसा न हो कोई घटना हो जाए और मैं फंस जाऊं, ये उसका बयान है। और इसीलिए वो थाने पर गई न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, यानी 8 की घटना बता रही है, और 12 तारीख को वो थाने पर पहुंची और उसने गुमशुदगी लिखाई। ये कहानी मुस्कान ने बताई। जब CDR और PCR के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की गई तो ये पता लगा कि ये सही था कि पति से झगड़े को लेकर उसने PCR कॉल की थी, लेकिन मुस्कान का कोई और रिकॉर्ड उस PCR कॉल पे सिवा मोबाइल नंबर के नहीं मिला। बाकी जब जमाल, मुस्कान और उसकी माँ त्रिषा की फोन की CDR जांच हुई तो ये पता लगा कि 7 अगस्त की रात जमाल देवली गांव के मुस्कान के कमरे पर मौजूद था। CDR की लोकेशन के हिसाब से आगे ये पता लगा कि उसने 8 अगस्त 2021 को रात 8:23 पर उसने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का सुखदेव विहार की उसकी लोकेशन आई थी जहां पर वो बैग, ट्रॉली बैग फेंका गया था। अब फोटो से ये पता लग गया कि इसका पति नवीन था। फोटो से ये भी पता लग गया कि उसका नवीन का टैटू बना हुआ था। फोटो से ये भी पता लग, ये CDR से ये पता लग गया कि जमाल उस दिन मौके पर मौजूद था, नवीन भी उस मौके पर मौजूद था और जमाल अगले दिन उसी क्षेत्र में उसकी लोकेशन थी जहां पर नाले में बैग पाया गया था।
उसने खुलासा किया। जब ये सब बातें पता लग गई मुस्कान को, जब फैक्ट्स पर फैक्ट से उसका सामना कराया जाने लगा, तो उसने बताया कि जिस समय नवीन आया था 7:45 की रात में, उस समय जमाल उसके पास मौजूद था। दोनों आपत्तिजनक अवस्था में थे। नवीन ने आते ही दोनों के साथ अंधाधुंध मारपीट शुरू की। जमाल के जो दो दोस्त बाहर जमाल के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे थे, जिनका नाम विवेक उर्फ बागड़ी और कौशलेंद्र थे। जब भीतर बहुत मारपीट की आवाज़ आने लगी तो ये दोनों परिसर कमरे में दाखिल हो गए, और इनमें से जमाल ने नवीन का मुंह दबाया, विवेक ने उसका हाथ पकड़ा और कौशलेंद्र ने उसे बार बार चाकुओं से उसके गर्दन पर कई वार कर दिए। थोड़ी देर में वो मर गया। मुस्कान को पूरी बात जानने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछा गया कि ठीक है, मार दिया, उसके बाद क्या हुआ। उसने कहा कि उसके नवीन के सारे कपड़े वहीं उतार दिए गए जहां फर्श पे बहुत खून था। उसके बाद उसे वॉशरूम ले जाया गया, उसे अच्छी तरह पानी में धो दिया गया ताकि उसका खून कहीं लगा हुआ न रहे। उसके बाद कौशलेंद्र बाहर से रैपिंग पॉलीथीन के 4 रोल ले आया, उसको खूब अच्छी तरह से हाथ पैर को मोड़कर दबाकर उसे पॉलीथीन में रैप किया गया, और तब देखा गया कि किस तरह के बैग या बोरी में डालने पर ये साइज आ जाएगी। फिर सभी ने अपने अपने कपड़े जो खून में सने थे उनको धोया। धोने के बाद जिसको या सभी को नवीन के कपड़े आ रहे थे, उन्होंने नवीन के कपड़े निकाल कर पहने, और जितने खून आलूदा कपड़े थे उनको लपेट कर एक बोरी में भरकर उसमें 4-5 ईंटें रखकर उसे पास के एक नाले में फेंक दिया। पुलिस ने ढूंढने की कोशिश की लेकिन उस नाले में वो बोरी बरामद नहीं हुई। रात में पूरे घर को, पूरे कमरे को अच्छी तरह साफ किया गया, कहीं भी ब्लड का कोई स्टेन नहीं मिला। उसके बाद सवेरे जमाल अपने घर से नया ट्रॉली बैग ले आया और नवीन का शव बैग में पैक करके सुखदेव बिहार के नाले में एक ऑटो से फेंकाया। दूसरी गिरफ्तारी विवेक उर्फ बगदी देवली की गई। विवेक उर्फ बगड़ी पुत्र शंकर निवासी देवली, इसकी उम्र 20 साल, और उसने ये बताया कि हाँ, हम उस समय बाहर खड़े हुए थे, हम लोगों को लेकर ही जाता था, भीतर ये उससे मिलता था और हम लोग बाहर देखते थे कि कहीं कोई गेस्ट या कोई बाहरी एलिमेंट यहाँ पर ना आ जाए, और जब हल्ला गुल्ला हुआ था तो हम दोनों, हम और कौशलेंद्र, कमरे के भीतर गए थे। तीसरी गिरफ्तारी मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर यूपी में जमाल की हुई। मुस्कान ने जब सारा किस्सा बता दिया तो ये पता लगा कि वो घटना के बाद अपने गांव बिहार चला गया है। वो गांव बेला, जिला मोतिहारी का रहने वाला था। एक टीम तुरंत मोतिहारी भेजी गई, वहां उसके ठिकानों पर रेड हुई और जमाल के परिजनों से पूछताछ हुई। वहां पर जमाल का नया नंबर मिल गया, पुराना नंबर उसने स्विच ऑफ कर दिया था, नया नंबर उनके परिवार वालों के मोबाइल से मिल गया। उसको जब सर्विलांस पे लगाया गया तो वो मूविंग था, मतलब वो उस समय मूव कर रहा था। जब उसको गूगल मैप पे उसकी मिलने वाली लोकेशन को मैप किया गया तो ये पता लगा कि ये किसी ट्रेन से दिल्ली की तरफ जा रहा है। काफी परसू करते करते ये पता लग गया कि इस समय इस ट्रेन की लोकेशन, यानी इसकी लोकेशन जिस जगह पर है, जिस स्टेशन पर है, वो सप्त क्रांति एक्सप्रेस है।
दूसरी टीम मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर भेजी गई कि हर डिब्बे की तलाशी लेकर ये देखा जाए कि ये कहां पर छिपा हुआ है। टीम ने ट्रेन के हर डिब्बे की तलाशी ली और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन में स्टेशन पर सप्त क्रांति ट्रेन से आरोपी जमाल को उतार कर गिरफ्तार कर लिया गया। चौथी गिरफ्तारी विशाल की हुई। आरोपियों से पूछताछ में पता लगा विशाल जो सह आरोपी विवेक उर्फ बागड़ी का सगा भाई है अपनी ऑटो लेकर वही आया था और उसी ऑटो पर जमाल ट्रॉली बैग को रखकर नाले में चलती ट्रॉली बैग से उसने फेंक दिया था। पांचवी गिरफ्तारी रायबरेली के उत्तर प्रदेश से कौशलेंद्र की हुई। यह भी बताया गया कि सुखदेव बिहार नाले में शव को ठिकाने लगाने के तुरंत बाद आरोपी कौशलेंद्र दिल्ली से अपने गांव कोटवा मोहम्मदपुर रायबरेली चला गया था। रायबरेली के एक गांव में छापेमारी की गई, रेड की गई। वहां आरोपी एलियस अमन पुत्र शिवशंकर उम्र 19 वर्ष, इन सभी की उम्र 19, 20 और 21 साल थी पांचों आरोपियों की। छठी गिरफ्तारी राजकुमार उर्फ राजपाल उर्फ हैतल पुत्र अशोक गुप्ता निवासी कुआं भाईवाला पार्क भैंस पार्क जिसे कहते हैं खानपुर गांव दिल्ली। वो भी शव को ठिकाने लगाने में जब ये धोया गया रैप किया गया बैग के भीतर उसको अच्छी तरह से ठूंसा गया तब उसमें राजकुमार ने अपनी सेवाएं दी थी। सातवीं गिरफ्तारी मीनू ट्रिसा की थी जो मुस्कान की माँ थी। उस पर आरोप था कि जिस समय ये सारे लोग घुसकर उसे चाकू मार रहे थे त्रिशा यानी मीनू यानी मुस्कान की मां उनको उकसा रही थी कि ये जिंदा न रहने पाए। इसने नरक कर दी है जिंदगी, इसने परेशान कर डाला है। उसके उकसावे पे इन सभी चार लोगों ने मिलकर उसकी अपने कमरे में हत्या कर दी थी। पुलिस ने चाकू यानी आला कत्ल, शव को ठिकाने लगाने वाला ऑटो, मृतक का मोबाइल फोन और आरोपियों से 7 मोबाइल फोन जब्त किए। इस तरह से जो डीसीपी थे दक्षिण पूर्वी दिल्ली के आरपी मीना, उनकी मेहनत काम आई और बहुत ही सिस्टमेटिक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ जो विवेचना हुई इसमें इस मर्डर को पुलिस खोल पाई। आज की घटना, 5 लोगों ने महिला के पति की हत्या में मदद की। 5 मेल युवक पुरुष और ये सभी 19-20 साल के थे। 5-5 लोग एक महिला की मदद उसके पति की हत्या करने में क्यों भला कर रहे होंगे आप समझ गए होंगे, कहने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी मदद जिसमें एक व्यक्ति की हत्या की जानी थी। अपनी तरफ से मुस्कान ने इतनी चालाकी है कि मैं बार बार कहता हूं कि अब उतना आसान नहीं है अपराध करके निकल जाना। था एक जमाना 90s की जब मैंने आपको 80s की क्राइम की घटनाएं बताई थी, बड़ी बड़ी घटनाओं के बाद भी अभियुक्त बरी हो गए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं थे, साबित करने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ गवाहों के बयान पर विवेचना भी होती थी और ट्रायल भी होता था। गवाहों को जो जितना मजबूत होता था वो अपनी तरफ कर लेता था, होस्टाइल गवाहों के बयान से मुकदमा खत्म हो जाया करता था। अब आप सोचिए उसने क्या क्या चालाकी की। अपनी गुमशुदगी लिखाने में उसने टैटू का कोई जिक्र नहीं किया, पूछताछ में सब सही बताया लेकिन ये बता दिया कि
उसके टैटू नहीं था। दूसरा, गुमशुदगी लिखाने के पहले उसने अपना रूम खाली किया। उससे पूछा गया कि जब तुम्हें पता था कि 8 तारीख को उसकी बॉडी डिस्पोज ऑफ कर दी गई, 5 दिन बाद तुमने गुमशुदगी क्यों लिखाई? उसने बताया, हमने इसलिए लिखाई क्योंकि 3 दिन तक लगातार नया रूम ढूंढने पर भी हम नया कमरा या नया निवास या नया घर नहीं ले पाए थे। जैसे ही हमने नया घर ले लिया, उसके ठीक दूसरे दिन जाकर, यानी जब मकान खाली कर दिया, मकान मालिक को हैंडओवर कर दिया, उसके दूसरे दिन न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जाकर हमने गुमशुदगी लिखवाई। तीसरा, उसका मोबाइल नंबर उधार का सामान देने वाले व्यक्ति के सिवा, दुकानदार के सिवा किसी के पास नहीं था। कभी किसी से शेयर नहीं किया, इतनी शातिर महिला थी। सारी कॉल लॉग, सारे पिक्चर्स, सारे वीडियोस उसने अपनी और अपनी माँ के मोबाइल से डिलीट करा दिए। दूसरे मोबाइल का प्रयोग उसी सिम पर करने लगी। हत्या के बाद इत्मीनान से पूरा कमरा साफ किया, सबके खून आलूद कपड़े साफ किए, लेकिन फिर भी अगर लगा कि इसमें ब्लड स्टेंस दिखाई दे रहे हैं, उनको लपेट के ईंट में बांध के एक बोरी में या पॉलीथीन बैग में रख के एक नाले में फेंक दिया, जो आज तक रिकवर नहीं हो पाए। रैपिंग पॉलीथीन से अपने पति की पूरी बॉडी को अच्छी तरह से दबा के ताकि वो बैग में आ सके, ऐसा रैप करके फेंका कि ट्रॉली बैग में एक आदमी का पूरा शव होगा। ऐसा थोड़ा कल्पना करना पुलिस वालों के लिए कभी कभी मुश्किल होता है, हालांकि ये बहुत सामान्य हो चला है महानगरों के क्राइम में। ट्रॉली बैग गंदे नाले में फेंका, ट्रॉली बैग वो भी काले रंग का, ताकि पकड़ा न जा सके। लेकिन फिर भी पकड़ गई, उसके यार दोस्त भी पकड़ गए। जब बार बार अपने आस पड़ोस में आप देख रहे हैं कि कितनी भी चालाकी से किया हुआ अपराध हो, 90% केसेस में पकड़ जा रहे हैं, तो क्यों अपराध की तरफ अपना दिमाग लगाएं या क्यों अपराध की तरफ मुड़ें, क्यों अपराध का रास्ता चुनें? आज की तारीख में अपराध करके बच जाने की गुंजाइश सिर्फ 5-10% है, इससे अधिक नहीं है। फिर भी क्यों अपराध में लोग दिमाग लगा रहे हैं, ये समझ के परे है। मैं एक बार फिर परिवार के लोगों से ये अपील करता हूँ कि यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसा है जिसकी मेंटेलिटी या जिसकी बातचीत में या जिसके स्वभाव में या जिसके एक्शन में कुछ ऐसा लगता है कि अपराध की तरफ जा रहा है, तो उसे ज़रूर समझाएं कि कोई भी अपराध कर लो, बचने की गुंजाइश बहुत कम है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते रहो आप। लो आजा, लो। नहीं खाएंगे, मन नहीं है लोग का खाने का, जाने दीजिए, रहने दीजिए। वो खा लिया, वो पेट भर गया उसका, पेट भर गया, जाने दीजिए, छोड़िए, मत करिए, शाम को खिला, मन नहीं है ऐसा।